जैन साथियों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी आपके लिए क्यों जरूरी है, और जब भी हम बात करते हैं एनसीईआरटी की तो एनसीईआरटी की पुस्तकें हमें क्यों पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी की किताब पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा कि एनसीईआरटी की नोट्स पढ़ना बेहतर होगा। क्योंकि आज के बेरोजगारी के दौर में हर अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहा है, सभी मेहनत कर रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, कॉम्पिटिशन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस समय क्या चीज़ ऐसी फैक्ट पढ़ी जाए जहाँ से परीक्षा में सवाल है, जिनको पढ़ने के बाद हमारा सलेक्शन हो जाए। तो आज के समय पढ़ाई सब कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे किससे पढ़कर हम सफलता अर्जित कर लें, कौन सी किताबें पढ़ी जाए, ये सबसे बड़ा सवाल होता है किसी भी परीक्षा के लिए। तो आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका जो बेसिक है ना, वो है आपका एनसीईआरटी। बिना एनसीईआरटी के अगर आप सोच रहे हैं सरकारी नौकरी आपको जल्दी मिल जाए तो ये आपकी सोच ही पुरानी हो चुकी है। अब आज का दौर और बीते हुए कल का दौर और आने वाला कल का दौर हमेशा एनसीईआरटी का था और एनसीईआरटी का रहेगा। कभी भी किसी भी प्रश्न को जब चैलेंज होता है या प्रश्न के उत्तर गलत की बात होती है तो वहाँ पर एनसीईआरटी की पुस्तकों को ही मान्यता है। बहुत सारे प्रकाशन की किताबें आपने पढ़ी होंगी, एनसीईआरटी पैटर्न, एनसीईआरटी पैटर्न, लेकिन आज हम प्योर एनसीईआरटी की बात करेंगे और हम ये कहेंगे कि आप एनसीईआरटी खुद पढ़िए। अगर आपके पास ये लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने में आपका समय ज़्यादा लगेगा, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर नोट्स बनाने में समय लगेगा, आपके पास समय कम है, तो हम ये कहेंगे कि एनसीईआरटी की नोट्स लेकर आप पूरा तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको मिल पाएंगी। एनसीईआरटी ये पूछा जाता है कि एनसीईआरटी कौन से ज्यादा बेहतर है, पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी या अब जो आने वाली है नई एनसीईआरटी। अब मतलब तीन तरह की एनसीईआरटी हो चुकी थी, क्योंकि इसके पहले तक दो तरह की एनसीईआरटी थी, ओल्ड और न्यू, लेकिन अब कुछ चैप्टर्स को और कम कर दिया गया तो उससे उसका दायरा और कम हो गया। लेकिन सिलेक्शन के लिए हमें तीनों पढ़ना होगा, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और आज की एनसीईआरटी। इन तीनों एनसीईआरटी किताबों को हमें आपको रटना होगा, और ये कहाँ मिलेंगे, तीनों किताबें खोजना पढ़ना काफ़ी बड़ा पहाड़ सा होगा। ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आप सभी को इन सभी एनसीईआरटी की कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी, ओल्ड, न्यू और आज के, इन तीनों एनसीईआरटी को मिलाकर तैयार किया गया, जिसमें एससीईआरटी जो हिंदी भाषी राज्य हैं और उनके जो कुछ फैक्ट तथ्य ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं थे, एनसीईआरटी इतर है, उनको भी सम्मिलित किया गया। माने एनसीईआरटी और एससीईआरटी का एक बेहतर और बेजोड़ नोट ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध है। एनसीईआरटी की पुस्तकों को कैसे पढ़ते हैं, ये सवाल आता है कि हम कैसे पढ़ें। तो एनसीईआरटी की अगर पुस्तक पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं। लेने के बाद उसे अपने कॉपी पर एक बार पूरा पढ़ लीजिए, उसे हाईलाइट करते चलिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, और उसे अपने कॉपी पर लिख लीजिए या बुक पर ही छोड़ दीजिए हाईलाइट लगाकर। लेकिन फिर जब आपको परीक्षा के समय रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर आप खुद का नोट्स एनसीईआरटी का बनाए तो बेस्ट है, और नहीं बना पाते ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है और अन्य जगहों पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। हिंदी मीडियम में पढ़े, अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, तो इंग्लिश मीडियम का अभ्यर्थी इंग्लिश में पढ़े, हिंदी मीडियम का अभ्यर्थी हिंदी में पढ़े। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम का अभ्यर्थी चाहते हैं इंग्लिश में ही पढ़ना, तो इंग्लिश में भी उपलब्ध है सारी किताबें, लेकिन इन दोनों किताबों को पढ़ना काफी मुश्किल और बड़ा सा हो जाएगा। ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, आज के एनसीईआरटी, इन तीनों की नोट्स उपलब्ध है। दूसरी बात, यदि एनसीईआरटी पुस्तकों को पढ़ा तो मैं कितने अंक हासिल कर सकता हूँ, अंक की तो नहीं लेकिन सिलेक्शन की बात करता है। एनसीईआरटी कहता है खुद में सिलेक्शन की बात है। क्या एनसीईआरटी की पुस्तकों से नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है? जी हाँ, क्योंकि एक बार तुमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा नहीं और आपका भी दिमाग ऐसा नहीं है कि हम आज जितना पढ़ेंगे कल के लिए हमें उतना याद रहेगा या आने वाले कल के लिए हमें पूरा याद रहेगा। तो हम उसे की पॉइंट के रूप में भी लिखते चलते हैं, उसे शॉर्ट्स में बनाते हुए चलते हैं, नोट्स के रूप में भी लिखते चलते हैं, ताकि उस तथ्य को पढ़ने के बाद आपको पूरी थ्योरी याद आ जाए। जैसे मैं कहूँ कि आपका घर कहाँ है, तो आपके घर के कहते आपके घर का पूरी छवि आपके दिमाग में, आपका घर दिखता कैसे। मैंने पूछा आपके पापा का नाम क्या है, आपके पापा का पूरा चित्र आपके दिमाग में आ गया, नाक, कान, मुंह, आंख, उनकी बनावट, शरीर की बनावट। तो एक शब्द कहते हैं जिस तरह से पूरा चित्र बन जाता है, वैसे एनसीईआरटी कहता है कि जब आप मेरी नोट्स बनाएंगे तो जैसे नोट्स के तथ्य को पढ़ेंगे, एक शब्द आपके सामने, वो पूरी टॉपिक ही आपके सामने, आपके दिमाग में छवि के रूप में, चित्र के रूप में बनने लगेगी। अब किस क्लास से लेकर किस क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ना बेहद जरूरी होता है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बेहद जरूरी होता है। तो जो कॉमन सवाल थे आपके, उन सभी सवालों के जवाब हम देने का आपको प्रयास किए। अब फिर से एक सवाल आपके मन में आता है कि सर किस परीक्षा के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी आपके सिलेक्शन की आने वाले समय में इसकी कुंजी है, मैंने आप
को एक सरकारी नौकरी दिलाने के लिए एक कुंजी के रूप में एनसीईआरटी काम करती है, यह बात आप लोग भली भांति जानते रहिए। दूसरी बात आपके मन में, आपके दिमाग में आती है कि हम एनसीईआरटी किस भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ें। शायद आपके भी मन में ख्याल आया होगा, आपके दिमाग में भी ख्याल आया होगा। तो एनसीईआरटी की सभी पुस्तकें आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। अब इन पुस्तकों की जब हम बात करें, ढेर सारी किताबें हो जाती हैं। इन ढेर सारी किताबों से कम यह है कि आप इसके नोट्स पर भी साथ ही साथ काम करते हुए चलें। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें आपके भी मन में आएंगी, बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे कि सर हम एनसीईआरटी की किस क्लास से लेकर किस क्लास तक की बुक को फोकस करें। तो सबसे पहला काम, कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी विषय को आप पढ़ लीजिए। चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, नवोदय विद्यालय, केवीएस, पुलिस, दरोगा, जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, रेलवे, सब में कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी पर फोकस करिए, एनसीईआरटी को अपना आधार बनाइए। क्योंकि अगर आप चाहें कि बिना एनसीईआरटी का सिलेक्शन हो जाए, तो धीरे धीरे ये मुश्किल होता हुआ जा रहा है। ये सारे नोट्स एनसीईआरटी के आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। जी हाँ, अगर हम बात करें कि सर एनसीईआरटी के जो सभी नोट्स है वो एक ही जगह हमें कहाँ मिल पाएंगे, तो एनसीईआरटी की जो सभी नोट्स है आपको 6 से लेकर 12 तक के लिए पढ़ना होगा। अगर किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके लिए नोट्स पढ़ना काफी बेहतर। जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हाँ, जब भी किसी से पूछे कि हम एक सरकारी शिक्षक बनना जा रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी गेट की तैयारी कर रहे हैं, पीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय, केवीएस, डीएसएसबी, सभी की कुंजी एनसीईआरटी। तो जब आपको ये पता है कि एनसीईआरटी आपके सिलेक्शन का आधार स्तंभ है, तो आज से ही एनसीईआरटी क्यों ना पढ़े। आज अगर हम बिहार शिक्षक भर्ती की बात करें तो हमें पूरा साफ साफ सिलेबस में लिखा गया है, हम एनसीईआरटी से ही पेपर कराएंगे। टीजीटी पीजीटी माने 9वीं 10वीं ग्रही बरामी के लिए जो भी परीक्षाएं होंगी, हम पूरा पूरा एनसीईआरटी पर ही फोकस करेंगे। तो एनसीईआरटी की सभी किताबें, सभी नोट्स आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर एक ही जगह मिल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें साइंस की, तो 60 अगर हम साइंस की यहाँ पे बात करें आपके सामने, तो 6 से लेकर 12 तक सभी साइंस ई लर्निंग विद दुर्गेश पर नोट्स के रूप में उपलब्ध है। इनकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर इंस्टॉल करिए, टेलीग्राम पर सर्च करिए दुर्गेश, बिना स्पेस ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप उसे ज्वाइन कर लेंगे आपको एक कहीं जगह मिल जाएगा, या ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो ऐप है वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, वहाँ पे सभी मिल जाएंगे। साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, गणित से अगर आपको डर लगता है तो 6 से लेकर 12 तक की पूरी मैथमेटिक्स एक बार सॉल्व कर लीजिए। इंग्लिश 6 से लेकर 12 तक, हिंदी भी आपको मिल जाएगी। अगर हिंदी की बात करें एनसीईआरटी की, हिंदी भी आपको मिल जाएगी। सोशल स्टडी की बात करें, सोशल स्टडी वैसे 6 से लेकर 8 तक चलती है, उसके बाद हम 6 से लेकर 8 तक की बात चले, अगर 9 और 10 में चले तो यहाँ पे सामाजिक अध्ययन के रूप में आता है SST सामाजिक अध्ययन, जिसमें अर्थशास्त्र होगा, इतिहास होगा, भूगोल होगा, पॉलिटी होगी। और 6 से 8 में भी होगा भूगोल होगा, पॉलिटी हो जाएगी, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, तीन रूप में आपको देखने को मिलता है। अब हम 11 ट्वेल्थ में अगर हम जाएं, 11 और 12 की अगर हम बात करें, तो 11 ट्वेल्थ में आपको विषयवार मिल जाएगा, फिजिक्स पूरी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, और साथ ही साथ कॉमर्स के भी सब्जेक्ट लर्निंग विद दुर्गेश उपलब्ध है। जी हाँ, कॉमर्स के हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। उसके साथ साथ आपके मन में फिर एक सवाल आता है कि सर इतिहास, भूगोल, राजनीति और शास्त्र, ये सारे क्या आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, ये सभी आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। सभी आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और आज ही लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर आप कहेंगे तो एनसीईआरटी के जो सभी वीडियो लेक्चर है, सभी विषय की स्टेप बाय स्टेप हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और आप ये कहेंगे कि सर आप एनसीईआरटी की इस सब्जेक्ट की क्लास शुरू करिए, तो हम उस सब्जेक्ट की, उस विषय की क्लास डे बाय डे आपके लिए लेकर आएंगे चैप्टर बाय। जो सारे नोट्स, एक सवाल आ रहा है कि सर ई लर्निंग विद दुर्गेश के अगर हम नोट्स एनसीईआरटी के देखते हैं तो क्या ये नोट्स चैप्टर वाइज है। जी हाँ, एनसीईआरटी के चैप्टर के अकॉर्डिंग है, ओल्ड, न्यू और आज के एनसीईआरटी को मिलाकर तीनों तरह के एनसीईआरटी के पूरा निचोड़ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। और सिलेक्शन कोई भी हो, चाहे CDS हो, APO, कोई भी परीक्षा हो आपके लिए, चाहे वो BPSC हो या UPPSC हो या UPSC हो, हर जगह ये कहा जाता है कि आप फोकस करिए NCERT पर। तो जब आपको सभी कहते हैं NCERT पर फोकस करिए, अभी आप देर क्यों कर रहे हैं। TGT, PGT, नवोदय विद्यालय, चाहे KVS हो, सबकी जान
और जड़ एनसीईआरटी है। तो आज से ही एनसीईआरटी की रेस शुरू करिए। एनसीईआरटी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप उनकी पीडीएफ डाउनलोड करके चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, या आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर भी ऐसा कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इसके अलावा दो यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुर्गेश और सुपर टेन विद दुर्गेश सर। एनसीईआरटी की कंप्लीट जो पीडीएफ नोट्स है आपको, ये 6 से लेकर 12 तक आपको दिख रहा होगा, ये कंप्लीट नोट्स, ये स्पेशल एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं, ये प्ले स्टोर पर ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो ऐप है वहाँ पर उपलब्ध है। ये सभी नोट्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इन दोनों मीडियमों में उपलब्ध है, जहाँ पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक के संपूर्ण पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए अभी आप प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, वीडियो को शेयर करिए, आप हमें कमेंट करके बताइए, या आप मुझे भी फीडबैक दीजिए कि एनसीईआरटी आपके लिए क्यों जरूरी है, या एनसीईआरटी की नोट्स किसी के लिए क्यों जरूरी है। जी हाँ, अगर आसपास की परीक्षाएं देखें जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूपी, पीएससी, यूपीएससी, तो इन सभी की शुरुआत खंड शिक्षा अधिकारी, अल्टी ग्रेड, इन सभी की शुरुआत जो होती है वो एक एनसीईआरटी से होती है, और एनसीईआरटी की शुरुआत आज से और अभी से आपको करनी है। एनसीईआरटी हमेशा पढ़ते रहना है, खुद भी, चाहे नीट हो, जेईई मेंस हो। आप कहते हैं सर हर जगह जब एनसीईआरटी का छाया है तो फिर हमें एनसीईआरटी ही क्यों नहीं पढ़ा जाता। अरे भैया, आपके जो सिलेबस है जिससे हमारी एकेडमिक लाइफ गुजरती है वो वास्तव में एनसीईआरटी से ही तो गुजरती है, और हमारा भविष्य भी एनसीईआरटी से ही होगा। तो चलिए, इससे अलावा अगर चाहते हैं कोई वीडियो हम आपके लिए लेकर आए, इसके अलावा किसी अन्य टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। और मैं बार बार कहूँगा, इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर करिए, लाइक करके रखिएगा। दो और चैनल स्टडी विद दुर्गेश सर, सुपर टेट विद दुर्गेश सर, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एनसीईआरटी की सभी वीडियोज लेक्चर लेकर आएँ, एनसीईआरटी की सभी सीरीज हम आपके लिए लेकर आएँ, तो आज ही आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप को विजिट करिएगा। आप सभी का थैंक यू, और अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो में कॉमेंट करेंगे तो हम आपके लिए जल्द ही एनसीईआरटी की सीरीज निःशुल्क ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लेकर, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं आपके लिए निःशुल्क देशित मराठी में क्लासेज लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू सभी का, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। एनसीईआरटी आपके लिए अहम, महत्वपूर्ण है, इसलिए एनसीईआरटी की लड़ाई आपको कभी भी किसी भी दशा में नहीं छोड़नी है। थैंक यू।